नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जो भी कदम उठाते हैं सोच समझकर उठाते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले उसके दुर्गामी परिणाम सोच लेते हैं, तब जाकर कोई कदम उठाया जाता है। इसी कड़ी में एक नाम जुड़ता है, वरुण गांधी का, क्योंकि जब पिछले दिनों पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा गया था तो कहा गया था कि मोदी वरुण के पार्टी विरोधी बयानों से खफा हैं, इसलिए उन्हें उस बगावत की सजा मिली। खबरें ऐसी भी आई कि आखिरी वक्त पर रायबरेली से वरुण गांधी को चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जानता ये भी कोई नहीं कि मोदी ने वरुण गांधी के लिए क्या सोच रखा है, क्योंकि चुनाव प्रचार से नदारद चल रहे वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार करने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे थे। और इस चुनाव प्रचार में वरुण ने जो कहा उसे सुनकर गांधी परिवार जरूर हिल जाएगा। गांधी परिवार के दो चिराग हैं, एक वरुण गांधी, दूसरे राहुल गांधी। दोनों अलग विचारधारा के लोग हैं। एक ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए जी जान लगा दी, दूसरे ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है तब से लगातार कांग्रेस को जमीन में उतारने का काम किया है। एकमात्र शक्ति की बात करता है तो दूसरा शक्ति को खत्म करने की बात करता है। पहले एक बार आप वरुण गांधी को सुनिए। 543 स्थान पे चुनाव हो रहे हैं, कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग, बड़े बड़े करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जहाँ के सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है, पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। माँ जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे ना दे, माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने माँ के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सुल्तानपुर की माँ के लिए समर्थन जुटाऊंगा। माँ की जो परिभाषा होती है वो होती है वो शक्ति जो सबकी रक्षा करे, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में, और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। माँ की डांट जो होती है वो भी एक आशीर्वाद होता है। हम लोग जब सुल्तानपुर 10 साल पहले आए थे चुनाव लड़ने, तो पहली बार सुल्तानपुर में लोगों ने कहा कि साहब जो अमेठी में रौनक है, जो रायबरेली में रौनक है, हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर में भी ऐसी रौनक आवे। आज मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कहना कि देश में सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में नाम लिया जाता है। एक तरफ अमेठी रायबरेली है जहां से गांधी परिवार भाग खड़ा हुआ, कभी जनता के बीच में जाकर नहीं देखा। राहुल गांधी को अमेठी रायबरेली में अपना नाम फाइनल करने में महीनों लग जाते हैं। वहीं वरुण गांधी हैं जिनकी पहचान गांधी परिवार से नहीं बल्कि अपने काम से है। एक तरफ राहुल हैं जो शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वरुण गांधी हैं जो शक्ति को सर्वोपरि बताते हैं। मेनका गांधी के लिए प्रचार कर रहे वरुण गांधी के बारे में जब मेनका गांधी से पूछा गया तो मेनका गांधी ने कहा, वो प्रचार करने तब आया जब मैंने मांगा। मतलब मां होने के बाद भी मेनका गांधी को वरुण गांधी को पार्टी आला कमान से मांगना पड़ा। और इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी ने अपने तुरुप के इक्के को लास्ट के लिए बचा कर रखा है। इससे पहले भी जब वरुण का नाम रायबरेली के लिए सामने आया था तब भी राहुल गांधी की सांसें फूली हुई थी, क्योंकि वरुण के काम करने का तरीका, क्योंकि वरुण गांधी काम करने के का जो तरीका है उसे गांधी परिवार डर के साए में रहता है। यही कारण है कि राहुल ने कहा था कि वरुण मेरी विचारधारा से अलग है। दरअसल राहुल से पूछा गया था कि क्या वरुण गांधी
कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो राहुल के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। राहुल को पता है कि वो वरुण की लोकप्रियता के सामने टिक नहीं पाएंगे और पहले से ही दो धड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी या फिर दो धड़ों में बटा गांधी परिवार कहें उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन वैसे भी वरुण गांधी कांग्रेस की जड़ें हिलाने के लिए अब मैदान में उतर चुके हैं। मोदी ने अपने सुरूप के को पांच चरण का मतदान खत्म होने के बाद छठे और सातवें चरण के लिए मैदान में उतार दिया है। वरुण के मैदान में उतरने से कांग्रेस की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि वरुण टिकट कटने से नाराज हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर मोदी ने वरुण को मैदान में उतार कर खेल ही पलट दिया। और साथ ही इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि वरुण का टिकट कटना भी किसी न किसी रणनीति का हिस्सा जरूर रहा होगा, क्योंकि हो सकता है वरुण के लिए मोदी ने जरूर कुछ और सोचा होगा, और अब वो क्या सोचा है वो तो 4 जून के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जैसे वरुण ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।